एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाई जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इस स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ड्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नीवेल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में, जेसन इसाक्स एज लूसियस मॉलफी ड्रेक्सस के रूप में,
गैरी ओल्डमैन सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसन ऑफ द ट्वेल्थ ईयरी ऑफ नो फॉरगेट एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप मैगी एस्मिथ एज माइनर्वा एम सी गॉन कॉल टिमोथी एस्पॉल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैम्पियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैम्पियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक निवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंड और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट इमा वेटसन रॉबी कोल्ट्रेन रैफ फाइंस माइकल गैम्बोन ब्रेंडन ग्लीसन जेसन इसेक्स गैरी ओल्डमैन एलन रिक्समैन मैगी स्मिथ टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
Daniel Radcliffe as Harry Potter, a 14-year-old British wizard famous for surviving his parents' murder and the hand of the evil dark wizard Lord Voldemort as the infant who now entered the fourth year and Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Rupert Grint as Ron Weasley, Harry's best friend at Hogwarts and a young member of the Weasley wizarding family. Emma Watson as Hermione Granger, Harry's other best friend and tries brains. Robbie Coltrane as Rubeus Hagrid, the gamekeeper and care of magical creature teacher and Hogwarts. Ralph Fiennes as Lord Voldemort, a dark wizard intent and conquering the wizarding world and the leader of Death Eater. Fiennes commented on the difficulty of playing someone who is the essence of evil. Mike Neville as for interested in exploring the character unexpected mood swing. Michael Gambon as Albus Dumbledore ke roop mein. Brendan Gleeson as Alistair Mad-Eye Moody ke roop mein. Jason Isaacs as Lucius Malfoy Draconis ke roop mein. Gary Oldman as Sirius Black, Harry's godfather, और अज अजाकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेशन ऑफ द 12th ईयर ऑफ नो फॉगबिट. एलन रिक्समन एज सेवरस स्नेप. मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गॉन कॉल. टिमोथी एस्पोल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वोल्ट में. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है. हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं. टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है. हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा. 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं. फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैम्पियन के रूप में चुना गया है. हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया. गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैम्पियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है. कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली. इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव
ग्लोब्स और से बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इस स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट। और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो इंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द करेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज ऑल्बस डम्बलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में, जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉर्फी ड्रेक्सस के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसिडेंट ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोनकॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हू बेटरेड हैरी पॉटर वर्ल्ड में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक
से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंट और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रन टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14 ईयर ओल्ड ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द फोर्थ ईयर एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नीवेल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज ऑल्बस डम्बलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में, जेसन इसाक लूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसिडेंट ऑफ द 12th ईयरी ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोनकॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर
पेटिग्रू द डेथ सीटर एंड हु बेटेड हैरी पॉटर वोल्ट में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट्सक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज
Hermione Granger, Harry's other best friend and tries brains. Robbie Coltrane as Rubeus Hagrid, the gamekeeper and care of magical creature teacher and Hogwarts. Ralph Fiennes as Lord Voldemort, a dark wizard intent and conquering the wizarding world and the leader of Death Eater. Fiennes commented on the difficulty of playing someone who is the essence of evil. Mike Newell as were interested in exploring the character unexpected mood swing. Michael Gambon as Albus Dumbledore ke roop mein. Brendan Gleeson as Alistair Moody ke roop mein. Jason Isaacs as Lucius Malfoy Draco ke roop mein. Gary Oldman as Sirius Black, Harry's godfather, और अजाकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेशन ऑफ द 12th ईयर ऑफ नो फॉगबिट. एलन रिक्समन एज सेवेरस स्नेप. मैगी एस्मिथ एज माइनर्वा एमसी गॉनकॉल. टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर में. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रू और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है. हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं. टेट इटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है. हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा. 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं. फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया. हैंड मर्स्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया. गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है. कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली. इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंड और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइन्स, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर
प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑड्सले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोएले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट रूपर्ट ग्रीन्ट एज रॉन वेस्ली हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। एमा वैटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ड्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में। जेसन इसाक लूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इंप्रेशन ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉगपिट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप। मैगी स्मिथ एज माइनरवा एम सी गॉन कॉल। टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वोल्ट में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हमरियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है।
कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक निवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑड्सले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक निवेल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में। जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक, हैरीज गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसन ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवेरस स्नेप। मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गॉन कॉल। टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू, द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी ग्रिंडलवॉल्ड में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन
सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट इटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि ही हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो इंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ड्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल।
Mike Newell as were interested in exploring the character's unexpected mood swing. Michael Gambon as Albus Dumbledore के रूप में, Brendan Gleeson as Alistair Mad-Eye Moody के रूप में, Jason Isaacs as Lucius Malfoy Draxus के रूप में, Gary Oldman as Sirius Black Harry's Godfather और as Jacobin Aft के बाद भी और Longly Impression of the 12th Year of No Fuckbit. Alan Rickman as Severus Snape, Maggie Smith as Minerva McGonagall, Timothy Spall as Peter Pettigrew, the Death Eater and who betrayed Harry Potter Voldemort. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है, हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंड और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में।
रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट। और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट रूपर्ट ग्रीन्ड एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। एमा वैटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉल्फ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द करेक्टर अनएक्सपेक्टेड मोड स्विंग। माइकल गैम्बन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में। जेसन इशाक लूसियस मॉल्फी ड्रेक्सोस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक, हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसिड ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोन कॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइव विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूकसबेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विट्चक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवार्ड्स एंड यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवार्ड्स। रॉल्फ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक न्यूवेल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में। जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इंप्रेशन ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोन कॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वोल्ड में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के
ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया, हैंड मर्स्टांग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंट और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14 ईयर ओल्ड ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द फोर्थ ईयर एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नीवेल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डम्बलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में, जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और
wrongly imprisoned of the 12th year of No Forbid. Alan Rickman as Severus Snape. Maggie Smith as Minerva McGonagall. Timothy Spall as Peter Pettigrew, the Death Eater and who betrayed Harry Potter Voldemort. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रम स्ट्रोक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूकसबेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑड्सले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14 ईयर ओल्ड ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th ईयर एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट
screened as Ron Weasley, Harry's best friend at Hogwarts and a young member of the Weasley wizarding family. Emma Watson as Hermione Granger, Harry's other best friend and tries brains. Robbie Coltrane as Rubeus Hagrid, the gamekeeper and care of magical creature teacher and Hogwarts. Ralph Fiennes as Lord Voldemort, a dark wizard intent and conquering the wizarding world and the leader of Death Eater. Fiennes commented on the difficulty of playing someone who is the essence of evil. Mike Newell as were interested in exploring the character unexpected mood swing. Michael Gambon as Albus Dumbledore ke roop mein. Brendan Gleeson as Alistair Mad-Eye Moody ke roop mein. Jason Isaacs as Lucius Malfoy Draco ke roop mein. Gary Oldman as Sirius Black, Harry's godfather, और अज अजाकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेशन ऑफ द 12th ईयर ऑफ नो फॉगपिट. एरन रिक्समन एज सेवरस स्नेप. मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गॉन कॉल. टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू, द डेथ ईटर एंड हु बेटेड हैरी पॉटर बोल्ट में. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है. हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं. टेट इटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है. हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा. 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं. फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है. हैंड मर्स्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया. गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है. कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली. इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइन्स, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन
इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट, और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले, और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है, और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट, और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $150 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो इंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट रूपर्ट ग्रीन एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। एमा वैटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ड्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में। जेसन इसाक एज ल्यूसियस मॉर्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक, हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी, और लॉन्गली इंप्रेसिडेंट ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉगपिट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोन कॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया।
गॉब्लेट ऑफ फायर है, फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंड और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑड्सले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द करेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज ऑल्बस डम्बलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में, जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसिडेंट ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोन कॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी वोल्डेमॉर्ट में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है,
की साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुष्स्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूकसबेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो इंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड
कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमेंटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बन एज ऑल्बस डम्बलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में। जेसन इसाक लूसियस मॉलफी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर। और जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसन ऑफ द 12th ईयरी ऑफ नो फॉगबिट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप। मैगी स्मिथ एज माइनरवा एम सी गॉन कॉल। टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हू बेटरेड हैरी पॉटर बोल्ट में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक नीवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमेंट और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में।
रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट। और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट रूपर्ट ग्रीन्ड एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। एमा वैटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में। जेसन इशाक एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक, हैरीज गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेसिडेंट ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एम सी गॉन कॉल। टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू, द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइव विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूकसबेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक निवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विट्चक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ट एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्राइज ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक निवेल एज फॉर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में। जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक, हैरिस गॉडफादर और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेशन ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गोनकॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पैटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पैटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयर टेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेथ ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के
ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया, हैंड मर्स्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉबलेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14 ईयर ओल्ड ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द फोर्थ ईयर एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विटचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। इमा वेटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ट्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बोन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में, ब्रेंडन ग्लीसन एज एलेस्टर मेड आई मॉडी के रूप में, जेसन इसाक्स एज ल्यूसियस मॉल्फी ड्रेक्सस के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर और अजाकोबन आफ्ट के बाद भी और
wrongly imprisoned of the 12th year of No Fogbit. Aaron Rickman as Severus Snape. Maggie Smith as Minerva McGonagall. Timothy Spall as Peter Pettigrew, the Death Eater and who betrayed Harry Potter Voldemort. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रम स्ट्रोक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राइविजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं। फ्लोर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया। गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि ही हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक निवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइंस, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑड्सले और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेड ए फिल्म और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है $150 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14 ईयर ओल्ड ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो एंटर द 4th ईयर एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट
screened as Ron Weasley, Harry's best friend at Hogwarts and a young member of the Weasley wizarding family. Emma Watson as Hermione Granger, Harry's other best friend and tries brains. Robbie Coltrane as Rubeus Hagrid, the gamekeeper and care of magical creature teacher and Hogwarts. Ralph Fiennes as Lord Voldemort, a dark wizard intent and conquering the wizarding world and the leader of Death Eater. Fiennes commented on the difficulty of playing someone who is the essence of evil. Mike Newell as were interested in exploring the character unexpected mood swing. Michael Gambon as Albus Dumbledore ke roop mein. Brendan Gleeson as Alistair Mad-Eye Moody ke roop mein. Jason Isaacs as Lucius Malfoy Draco ke roop mein. Gary Oldman as Sirius Black, Harry's godfather, और अज अजाकोबन आफ्ट के बाद भी और लॉन्गली इम्प्रेशन ऑफ द 12th ईयर ऑफ नो फॉगपिट. एरन रिक्समैन एज सेवरस स्नेप. मैगी स्मिथ एज माइनरवा एमसी गॉन कॉल. टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू, द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वोल्ट में. तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं. हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है. हैरी विस्लिज, हर्मियन, सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं. टेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है. हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा. 17 वर्ष से कम आयु के छात्र आपात हैं. फ्लूर डेलोकोर के ब्यूक्सबेटन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है. हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया. गॉब्लेट ऑफ फायर है फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है. कई छात्रों का मानना है कि ही हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली. इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये 2005 की फैंटेसी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए माइक न्यूवेल और इसे स्क्रीन प्ले दिए स्टीव ग्लोब्स और इसे बेस्ड ऑन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रोलिंग और इस मूवी को प्रोड्यूस किए डेविड हेमैन और इसे स्टारिंग दिए डैनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट, इमा वेटसन, रॉबी कोल्ट्रेन, रैफ फाइन्स, माइकल गैम्बोन, ब्रेंडन ग्लीसन, जेसन
इसेक्स, गैरी ओल्डमैन, एलन रिक्समैन, मैगी स्मिथ, टिमोथी स्पॉल। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी दिए रॉगर प्रेट, और इस मूवी को एडिट किए माइक ऑडस्ले, और इस मूवी को म्यूजिक दिए पैट्रिक डोयले। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर हेडे फिल्म, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, और इसका रिलीज डेट रहा है 6 नवंबर 2005 ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में, 18 नवंबर 2005 यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुआ है, और इसका रनिंग टाइम रहा है 157 मिनट, और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, जिसका बजट है $150 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $896.8 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी का कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, अ 14-year-old ब्रिटिश विजार्ड फेमस फॉर सर्वाइविंग हिज पेरेंट मर्डर एंड द हैंड ऑफ द इविल डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एज द इन्फेंट हु नो इंटर द 4th year एंड हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ वाइट क्राफ्ट एंड विजार्डरी। रॉबर्ट रूपर्ट ग्रीन एज रॉन वेस्ली, हैरी बेस्ट फ्रेंड एंड हॉगवर्ड एंड अ यंग मेंबर ऑफ द वेस्ली विजार्डिंग फैमिली। एमा वैटसन एज हीरोमाइन ग्रेंगर, हैरी अदर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रेस ब्रेन्स। रोबिया कोल्ट्रेन एज रब्यूज हैग्रिड, द गेम कीपर एंड केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर टीचर एंड हॉगवर्ड्स। रॉफ फाइंस एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, अ डार्क विजार्ड इंटेंट एंड कॉन्करिंग द विजार्डिंग वर्ल्ड एंड द लीडर ऑफ डेथ ईटर। फाइनेंस कमिटेड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ प्लेइंग समवन हु इज द एसेंस ऑफ इविल। माइक नेवल एज वर इंटरेस्टेड एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग। माइकल गैम्बन एज अल्बस डंबलडोर के रूप में। ब्रेंडन ग्लेसन एज एलेस्टर मेड आई मोडी के रूप में। जेसन इसाक लूसियस मॉलफी ड्रेक्सस के रूप में। गैरी ओल्डमैन एज सीरियस ब्लैक हैरिस गॉडफादर, और एज जैकोबन आफ्ट के बाद भी, और रॉन्गली इंप्रेशन ऑफ द 12th year ऑफ नो फॉरगेट। एलन रिक्समैन एज सेवेरस स्नेप, मैगी स्मिथ एज माइनर्वा एमसीगोन कॉल, टिमोथी स्पॉल एज पीटर पेटिग्रू द डेथ ईटर एंड हु बेटरेड हैरी पॉटर वर्ल्ड में। तो चलिए फिर इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। हैरी पॉटर को एक बुरा सपना आता है जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर पेटिग्रे और एक अन्य व्यक्ति जिसे हैरी नहीं पहचानता है कि साजिश सुनने के बाद मुगल केयरटेकर की हत्या कर दी जाती है। हैरी विस्लिज हर्मियन सेड्रिक डिगोगोरी और उसके पिता अमोस के साथ क्यूटिच विश्व कप में भाग लेते हैं। डेट ईटर्स टूर्नामेंट पर हमला करते हैं और हैरी के दुस्वप्न का आदमी डार्क मार्क डालता है। हॉगवेटर्स में प्रोफेसर डंबलडोर ने घोषणा की कि स्कूल मध्य यूरोप के ड्रमस्ट्रॉक इंस्टीट्यूट और फ्रांस के ब्यूक्सबेटन अकादमी के साथ ड्राई विजार्ड टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। प्रत्येक स्कूल में एक से एक छात्र को भाग लेने के लिए गॉबलेट ऑफ फायर द्वारा चुना जाएगा। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र अपात हैं। फ्लूर डेलोकोर के ब्यूकस बेस्टन विक्टर क्रूम से चैंपियन के रूप में चुना गया है। हैंड मर्कस्टॉन्ग से चुना गया और सेड्रिक को हॉगवर्ट्स से चुना गया।
गॉब्लेट ऑफ फायर है, फिर हैरी को चौथे चैंपियन के रूप में चुनता है, जिससे बहुत भ्रम पैदा होता है। कई छात्रों का मानना है कि हैरी ने धोखा दिया और रॉन ने उससे दूरी बना ली। इस बात से आहत होकर कि जब हैरी ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया तो उसने उसे सूचित नहीं किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।